हेलो एवरीवन माय सेल्फ डाइटिशियन शिल्पा वर्किंग एज अ सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन इन हिलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट डाइट प्लान पोस्ट कार्डियक सर्जरी जब हमारे पास पेशेंट आते हैं सर्जरी के लिए ठीक है आफ्टर सर्जरी पेशेंट ट्रामा में होते हैं तो उनको प्रॉपर उनका जो एपेटाइट है बहुत कम होता है फूड का टेस्ट भी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता है बिकॉज ऑफ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स एंड अनिस्थीजिया तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है इनिशियल स्टेज पे सभी पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है बट जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करता है वैसे वैसे उनका एपिटाइट भी बढ़ता है बट ये yes, इस स्टेज पे पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो सच ऐसा नहीं है कि हमें आ, उनको प्रेशराइज़ करना है खाने के लिए बट आपने आ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कम से कम क्वान्टिटी में अच्छी क्वालिटी में पेशेंट्स को न्यूट्रिशन मिल सके तो ऑलवेज आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील रखने हैं ठीक है हर सेकेंड आर्ली या थर्ड आर्ली पेशेंट्स को आपने कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना है जिसमें आपके थ्री मेजर मील्स होंगे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर बट बीच बीच में आपने हेल्दी स्नैक्स चूज करने हैं जिससे पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प हो सके द सेकेंड वन इज़ आपका फाइबर इनटेक आपका हाई फाइबर फूड्स कॉम्प्लेक्स काब्स यूज़ करने हैं कंपेयर टू योर सिंपल काब्स एग्जाम्पल आपके होल ग्रेन्स हैं लेग्यूम्स हैं मिलेट्स हैं ओट्स हैं आपके सेलड्स हैं ग्रीन वेजीज हैं ये सब चीज़ें आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आफ्टर सर्जरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल इस पोजीशन में पेशेंट का जो कुलाजन फॉर्म करने के लिए और टिश्यू की रिकवरी के लिए कैटाबॉलिक फेज से उनका रिकवर करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है सो so, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी जी आइडल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपने प्रोटीन्स उनको देना होता है सो ऑलवेज प्रेफर करिए कि हाई बायोलॉजिकल रिच जो प्रोटीन्स होते हैं वो डेली रूटीन में एड करेंगे लाइक like आपके लो फैट मिल्क हो गया लो फैट पनीर है टोफू है सोया सोया आइटम्स हैं इसके अलावा आपके नट्स एंड सीड्स हैं आपके स्प्राउट्स हैं ये डेली रूटीन में आप यूज़ करेंगे राइट इफ़ अगर पेशेंट आपके नॉन वेजिटेरियन है एग वाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं रोस्टेड ग्रिल्ड एयर फ्राई स्मोक्ड फॉर्म में आप लाइक उनको चिकन है फिश है वो आप यूज़ कर सकते हैं उनके लिए Uh, अब हम बात करेंगे कि आफ्टर कार्डियक सर्जरी आपने फूड में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है द फर्स्ट वन इज़ आपका सॉल्ट इनटेक सॉल्ट इनटेक उनका कम से कम होना चाहिए स्पेशली टेबल सॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो रॉक सॉल्ट हो पिंक सॉल्ट हो वाइट सॉल्ट हो बट टॉपिंग ऑफ सॉल्ट टोटली अवॉइड सोडियम कंटेंट फूड आपके सोडियम कंटेंट फ़ूड आते हैं लाइक पैक्ड फूड हैं फ्रोजन फूड्स हैं प्रजर्वेटिव अचार पापड़ चटनी ये सब चीज़ें आपने टोटली totally अवॉइड करना है uh, इसके अलावा आपका है शुगर इंटेक शुगरस में अगर तो पेशेंट डायबिटिक है देन नो जैगरी हनी शक्कर चीनी ये चीज़ें टोटली totally अवॉइड करेंगे नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी आपने शुगर का इंटेक कम से कम ही रखना है नेक्स्ट वन इज़ आपका आता है फैट्स फैट्स लाइक आपका जैसे घी बटर मक्खन मलाई क्रीम वनस्पति इन सब चीज़ों का आपने टोटली totally कट करना है फूड से आप लाइक मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं बट उसकी भी क्वांटिटी डिसाइडेड होती है कि लाइक टू टू थ्री टीस्पून पर डे का आपका डिसाइड है इसके अलावा जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल आपके बेस्ड चीज़ें होती हैं आप कोलेस्ट्रॉल किन चीज़ों में होता है जो आपके एनिमल फ़ैट्स होते हैं लाइक like चीज़ है होल फैट मिल्क हो गया आपका मटन है रेड मीट है पोक मीट है इन सब चीज़ों का आपने टोटली अपने फूड से एलिमिनेट करना है इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको प्रॉपर अपना जैसे डाइट प्लान बनवाना है मैं हिलिंग हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ आप कॉल भी कर सकते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच